जब नहीं मिलेगा पीड़ितों को धरती के न्यायाधीशों से न्याय, तो अवतरित होंगे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शनिदेव। हमारी इंडिया टीवी पर देखिए भगवान शनिदेव का न्याय चक्र। नमस्ते, मैं हूं अमन त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी इंडिया टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर औरैया से है, जहां वरिष्ठ सपा नेता अजय पाल जाटव ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो सपा नेता ने सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं को पुष्प देकर सम्मानित किया। वह अधिवक्ताओं से भाजपा सरकार में लगाए जा रहे समाजवादियों पर फर्जी मुकदमे में सहयोग करने की अपील की और औरैया सदर दुकानदारों में जाकर सपा नेता ने फूल देकर सम्मानित किया। भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है, किसानों को समय पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, नहर में पानी नहीं आ रहा, नौजवान बेरोजगार किसान परेशान है, मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल है, महिला उत्पीड़न दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज नववर्ष के प्रथम दिन लोगों को पुष्प देकर चेहरे पर मुस्कान लाने का एक प्रयास किया, जिससे आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंके अखिलेश यादव बनवाकर सभी के चेहरे पर पुष्प की तरह मुस्कान बनी रहे। सपा मुखिया ने अपनी सरकार में सभी वर्गों और धर्मों, किसान, नौजवान, बेरोजगारों के चेहरों पर खुशी लाने का काम किया है। तो वहीं भाजपा की 4.5 वर्षों की सरकार में आम जनमानस दुखी हो गया है, ऐसा वरिष्ठ सपा नेता अजय पाल जाटव ने कहा है। और उन्होंने जो कहा है वो भी आप लोग सुन लीजिएगा हमारी इंडिया टीवी पर। तो द्वारा कचहरी परिसर में और क्षेत्र में 9 वर्ष के पावन पर्व पर फूल वितरण किए गए, क्या कहते हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में किसान दुखी, युवा दुखी, नौजवान दुखी, इतनी परेशानी में लोग मायूस हैं क्योंकि सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है, हर व्यक्ति का घर चलना मुश्किल है। तो ऐसी मायूसी के समय में हमने कोशिश की है सभी क्षेत्रवासियों को गुलाब दे करके उनके चेहरे गुलाब की तरह खिले रहें और आने वाले 9 वर्ष में ऐसी सरकार बनाएं कि उनके चेहरे हमेशा के लिए खिले। आपके द्वारा ये जो पुष्प वितरण अभियान चलाया जा रहा है, ये अब कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? मेरे द्वारा पुष्प वितरण लगभग पूरी विधानसभा में चलाया जा रहा है। अभी मैं खासकर मार्केट में और अभी कचहरी में कर रहा हूँ, उसके बाद 2-3 जगह और भी जा रहा हूँ।